आज इस देवभूमि में इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और भीलवाड़ा जिले की शान मेरे बड़े भाई आदरणीय धीरज गुर्जर जी, पूर्व विधायक आदरणीय रामलाल जी साहब, भाई मनीष जी, मेरे मंच के उपस्थित महाराज श्री को नमन करते हुए मेरे सामने उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहन, सबसे पहले आप सब लोगों को और विशेषकर धीरज जी भाई साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे आप लोगों के दर्शन करने का इन्होंने भी सौभाग्य दिया। मैं सुना करता था कई बार पहले साहब के साथ, वैसे कई बार प्रोग्रामों में मेरा आना हुआ कि पूरा गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, बहुत स्नेह आप लोग हम सब लोगों से रखते हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने का भी मौका हुआ और आज सौभाग्य है हमारा कि सबसे पहले सांवलिया सेठ जी गए, अब यहां पर है, उसके बाद हमारे जयपुर जिले में भी देव का हरवाड़ा बड़ा प्रोग्राम है, 20-30 हजार आदमियों का प्रोग्राम होता है, इसके बाद वहां भी हम लोगों को जाना है, तो आज पूरा दिन देव महाराज के नाम। आज सुबह से हम लोग इसी यात्रा पे निकले हुए हैं। साथियों, सामाजिक कार्यक्रम है, कुछ बातें मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। जैसे रामलाल जी ने मैं भी कहा कि शिक्षा एक ऐसा मंत्र है जो हम लोगों को आगे बढ़ा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोगों को भी, क्योंकि अभी और समाजों की तुलना में हम लोग शिक्षा में पिछड़े हुए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और नमन करना चाहूंगा आज इस मंच के माध्यम से हमारे उन बेहतर शहीदों को जिनकी बदौलत आज हमें 5% आरक्षण प्राप्त हुआ। साथियों, आज 5% आरक्षण से हजारों की संख्या में हमारे नौजवानों को नौकरियां प्राप्त हुई है, हजारों की संख्या में हमारे नौजवानों को यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, MBBS सब में एडमिशन होने का उनको मौका मिला। यह श्रेय अगर किसी को जाता है तो उन बेहतर शहीदों को जाता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोगों के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी समाज के लिए कुछ करना सीखें, सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करें, संगठित रहने का प्रयास करें और अपने लोगों को ताकत देने का प्रयास करें। साथियों, राजनीतिक ताकत एक बड़ी ताकत है, जब तक आप राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं बनोगे, राजनीतिक रूप से अपने आप को यूनाइटेड नहीं करोगे, तब तक कोई भी समाज आज तक आगे नहीं बढ़ सका है, क्योंकि राजनीतिक ताकत भी हम लोगों के लिए जरूरी है। आज इस मंच के ऊपर आपके जिले की शान धीरज जी भाई साहब बैठे हैं, मुझे भी इनके सानिध्य में NSOI में काम करने का मौका मिला। आज पूरे देश में अगर इनकी पहचान है तो उसकी वजह भीलवाड़ा की वजह से पहचान है। भीलवाड़ा जिले का नाम आज अगर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में लिया जाता है तो सबसे पहले धीरज गुर्जर जी का नाम आता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इनको भी, इस किसान के बेटे ने जयपुर में और दिल्ली में जाकर के अपना परचम फहराने का काम किया, हम जैसे नौजवानों को भी मौका दिया। तो यह आप लोगों को देखने की बात है कि आने वाले समय में कि हम लोगों को, हमारे लोगों को ताकत देने का काम करना है, संगठित रहने की आवश्यकता है। अगर हम लोग संगठित नहीं रहे तो फिर और कोई इस चीज का फायदा उठाएगा? साथियों, एक चीज का ध्यान आप लोगों को रखना है कि स्वर्गीय राजेश पायलट साहब एक चीज कहा करते थे, जो हमारे देश के महान किसान नेता हुए, कि जब तक गरीब किसान मजदूर का बेटा, जब तक गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़ लिख करके देश की उन कुर्सी पर नहीं जाएगा जहां से देश की नीतियां बनती है, तब तक इस देश का भला संभव नहीं है। हमारे किसान का बेटा, मजदूर का बेटा पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छी नौकरियां प्राप्त करेगा, IAS IPS बनेगा, RS बनेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, तो जब वो नीति निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएगा, निश्चित रूप से उन गरीब किसानों के लिए अपनी बात रखने का काम करेगा। साथियों, हमारे समाज के महान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट साहब, जिन्होंने समाज को अलग दिशा दी, हमारे समाज को राजनीतिक पहचान दी,
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजेश पायलट साहब ने हम लोगों को पहचान दी, और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए उनके सुपुत्र सचिन पायलट साहब ने देश की राजनीति में हमारा नाम रोशन किया। हम लोगों को राजनीतिक ताकत दी, हम लोगों को पहचान दी, हम लोगों को पहचान दी उन्होंने। और आज मैं भी अगर विधायक हूं तो सचिन पायलट साहब की बदौलत। आप सब लोग मजबूत हो तो उनकी वजह से मजबूत हो। लेकिन साथियों, और मैं आप दावे के साथ कहता हूं, बहुत से नौजवान मेरे से मिलते भी हैं, जानते भी हैं कि जब जब भी समाज को आवश्यकता पड़ी, पायलट साहब को आवश्यकता पड़ी, छाती ठोक के उनके साथ खड़े थे, और आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ेगी छाती ठोक के उनके साथ रहेंगे। लेकिन आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, ऐसे लोगों का भी ध्यान रखना है जो समाज का वोट लेकर को समाज के नाम पे जीतने का काम करते हैं, लेकिन जब समाज का साथ देने की बारी आती है तो पीठ दिखा करके भागने का काम करते हैं। उन लोगों से भी हम लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है साथियों, क्योंकि जब वक्त आता है तो वो लोग अपना जमीर बेचने का काम करते हैं। तो आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन आदमी आपके लिए खड़ा था, कौन नेता आपके लिए खड़ा था, कौन समाज आपके लिए खड़ा था, क्योंकि और समाजों को भी हम लोगों को साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। सब लोगों को हम साथ लेकर के चलेंगे तो मजबूती से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप भीलवाड़ा जिले में बड़ी संख्या में हो, अगर लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो पूरे राजस्थान में भीलवाड़ा में गुजरों की संख्या एक नंबर पे है, सबसे बड़ी संख्या में है। तो आपको संगठित रहने की आवश्यकता है। आने वाला समय आपका हमारा है, चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको संगठित रहने की आवश्यकता है। आने वाली ताकत आप लोगों के हाथ में है। आने वाला समय हम लोगों का है। आने वाला समय धीरज गुर्जर जी का है। आने वाला समय हमारे देश के नेता सचिन पायलट साहब का है। तो मिलकर के हम लोगों को काम करना है, चिंता करने की जरूरत नहीं। हम लोग भी जयपुर में बैठे हैं, जहां भी आपको कभी आवश्यकता पड़े आप बताना। निश्चित रूप से पहले भी आप लोगों के साथ खड़े थे, आगे भी आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आप हो। आप लोगों ने हम लोगों को ताकत दी है। राजनीतिक व्यक्ति की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो आप लोग हो। आप लोग अगर मजबूती से हमारे साथ खड़े हो तो हम बड़ी से बड़ी चट्टानों से टकराने को तैयार हैं। आगे भी जब समय आएगा उन चट्टानों से टकराने का काम करेंगे, उन चट्टानों को तोड़ने का काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।